राणा सनाउल्ला ने वजीर आला पंजाब को चीफ मिनिस्टर हाउस में सीज करने की धमकी दे दी। कहा परवेज इलाही से प्रोटोकॉल वापस ले लिया जाएगा। फयाजुल हसन चौहान का जवाबी वार राणा सनाउल्ला को कत्ल और कब्जों से फुर्सत मिलने पर आइन पढ़ने का मशवरा दे दिया। गवर्नर जो है वो इजलास बुला सकता है। मैं कहूँगा कि खुदा का वास्ता है, अपनी मूछों को ताव देने और बड़के मारने और कत्ल करने और कब्जे करने के अलावा कोई कानून भी पढ़ लिया करो, कोई आइन भी पढ़ लिया करो। गवर्नर जो है वो नोटिफाई करेंगे नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए। आइन के अंदर लिखा है कि गवर्नर ने जब भी एतमाद का वोट हासिल करने का वजीर आला को कहना है उसके लिए स्पेशल इजलास समन करना है, स्पेशल इजलास बुलाना है। अगर कल 4 बजे इजलास न हुआ और चीफ मिनिस्टर ने एतमाद का वोट ना लिया तो ही विल सीज टू बी इन द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर। राणा जो इन्होंने जो कर लिया वो बुज़दार साहब शरीफ आदमी थे, चौधरी परवेज़ इलाही साहब शरीफ हैं पर इतने भी नहीं हैं, ठीक है ना। उनको सारी चीज़ें आती हैं, जोर शोर आते हैं। एतमाद का वोट जो है वो लेना चाहिए और अपने लोगों को के साथ ये वादा करना चाहिए कि वो असम्बली नहीं तोड़ेंगे। राणा सनाउल्ला को मैं एडवाइस दूंगा कि इतनी ना बड़ा पाकी है दामा की हकायत, दामन को ज़रा देख, ज़रा बंदे के बाद देख। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। हकीकी आज़ादी की जंग में बोल भी कप्तान के हम कदम, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बा लम्हा सूरत हाल, रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।